गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल सिस्टम का EE305 का शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कवर कर चुके हैं। अभी हम 1.6 सिग्नल फ्लो ग्राफ कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ से। सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है? अ सिग्नल फ्लो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क इन विच नोड्स आर कनेक्टेड बाई डायरेक्ट ब्रांचेस। याद करिए, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तब हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते थे। जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते थे, ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया जाता था, याद है आपको? ऐसा कोई हमने सपोज कीजिए ब्लॉक डायग्राम बनाया। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? जब हम नोड्स की हेल्प से ब्रांचेस को ज्वाइन करते हैं, उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बोलते हैं। अब नोड्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं, ये सब चीज़ें हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। इट डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर एंड गिव्स द रिलेशनशिप अमंग द सिग्नल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था एक फॉरवर्ड पाथ हुआ करता था, एक हमने दूसरा सिग्नल भेजा सपोज की जिसका नाम है फीडबैक पाथ। क्या नाम है उसका? फीडबैक पाथ। तो इस तरह के जब हम सिग्नल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप हमको एस्टैब्लिश करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नल फ्लो ग्राफ। कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कंसिडर अ सिंपल इक्वेशन बिलो एंड ड्रॉ इट सिग्नल फ्लो ग्राफ। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है, वाई इज इक्वल टू ax। ओके, अब याद कीजिए जब हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या चीज़ देखी थी। सपोज करो ये तुम्हारा एक इनपुट है rs, ये आपका आउटपुट है CS। आपने इस ब्लॉक में GS कुछ आपका गेन दिया है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते थे, आउटपुट की वैल्यू को क्या लिखते थे, CS इज इक्वल टू RS इंटू GS। वही सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आपको सपोज कीजिए Y इक्वल टू AX करके कोई इक्वेशन दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आपको जब यदि इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ या फिर ब्लॉक डायग्राम बनाने को बोले, सपोज कीजिए ब्लॉक डायग्राम बनाने को बोला, तो आप क्या बोलेंगे, Y तो हुआ आउटपुट, X हुआ इनपुट और A हो गया आपका गेन। या फिर आपको ए और एक्स में नहीं पता तो यहाँ पे आप वाई से वर्षा कर सकते हैं। सेम चीज़ जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में बनाएंगे तो हम इस ब्लॉक की जगह हम क्या करेंगे, इस गेन को इस लाइन के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और जो इनपुट और आउटपुट है उनको हम एक नोड की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नोड क्या है, नोड एक तरीके से एक डॉट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डॉट बना दिया, इस डॉट को हमने इनपुट वाले को एक्स लिखा, आउटपुट वाले को वाई लिखा, ठीक है। एवरी वेरिएबल इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन बाय अ नोड। जितने भी वेरिएबल हैं उनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक नोड की हेल्प से। एवरी ट्रांसमिशन फंक्शन इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन बाय अ ब्रांच। क्या बोला कि ट्रांसमिशन फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्या है, ए। जैसे हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या होता था, जी। यहाँ पे अपन जब फीडबैक पाथ बनाएंगे तो उसमें फंक्शन होगा एच, ओके। तो इस तरह की जब हम बात करेंगे, जो भी हमारा ट्रांसमिशन फंक्शन है उसको हम किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रांच पे, क्लियर। ब्रांच आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कोई ब्रांच बनाएंगे, सपोज करो ऐसा कोई हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया, तो या तो उसमें इस तरह का सिंबल होगा या इस तरह का, या फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों यूनिट, मतलब एक ही ब्रांच पे आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों बना दें, ठीक है। इस तरह का कोई ग्राफ है मतलब गलत बनाया हुआ है। सही बात क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, या तो आगे या पीछे, यूनिडायरेक्शनल। हमेशा याद रखेंगे ये वाली बात कि सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। द एरो इन द ब्रांच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सिंपल है, यदि आगे है तो फॉरवर्ड और पीछे है तो बैकवर्ड। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी क्या है, इनपुट नोड। इनपुट नोड हम किसको बोलते हैं। सपोज कीजिए ये आपका कोई सिग्नल ग्राफ है, ये यदि इनपुट नोड है, यदि ये एक इनपुट नोड है, ये कोई एक सिंपल नोड हो गया, ये आपने यहाँ पे इनपुट दिया था RS, ओके। तो अब यहाँ से जितनी भी ब्रांचेस जाने वाली हैं, वो सिर्फ कैसी होंगी, आउटगोइंग, मतलब जाने वाली हैं, ठीक है। इनपुट नोड आप किसको बोलेंगे, जहाँ से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं उनका सबका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, आउटगोइंग। वो उसमें से कोई भी डायरेक्शन ऐसा रिटर्न करता हुआ यदि हुआ, जैसे सपोज करो ये हमने एक डायग्राम बनाया, थोड़ा और क्लियर बनाते हैं। ये देखो, ये हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया, इसमें इसका सिंबल ऐसा है, इसका सिंबल ऐसा है, ये भी फॉरवर्ड है और ये एक बैकवर्ड है। अब ये एक पॉइंट नंबर है 2 और इसके आगे एक पॉइंट नंबर है 1, ठीक है। अब
वन और टू में देखिए, क्या टू पॉइंट हमारा इनपुट नोड की कैटेगरी में आ सकता है? क्या नोड नंबर टू हमारे इनपुट नोड की कैटेगरी में आ सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो सिंबल है ये इनकमिंग ब्रांच का है, जबकि आप इस पे देखिए नंबर वन नोड पे, नंबर वन नोड पे सारी की सारी ब्रांचेस जो होंगी वो कैसी होंगी? आउटगोइंग. तो इनपुट नोड वो कहलाता है जिस पर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होती हैं. ठीक है. सिमिलरली आउटपुट नोड कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेज होंगी. जैसे सपोज करो यहाँ पे हम आउटपुट पे क्या लिखते हैं, आउटपुट को सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमने इस तरीके से बनाया. अब जो सी एस नोड है उसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ इनकमिंग. यदि यहाँ पे कोई आउटगोइंग ब्रांच आ जाती है तो वो हमारा आउटपुट नोड नहीं कहलाएगा. सपोज करो इसको मैं तीन नंबर देती हूँ, इसको मैं चार नंबर देती हूँ, तो क्या थ्री और फोर, क्या थ्री हमारा आउटपुट नोड होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आउटगोइंग ब्रांच भी जा रही है. जबकि आउटपुट नोड कहलाने के लिए सिर्फ वहाँ पे क्या होनी चाहिए? इनकमिंग ब्रांचेस. करेक्ट. अब पाथ क्या होता है? पाथ इज अ कॉन्टिन्यूस यूनिडायरेक्शनल सक्सेशन ऑफ ब्रांचेस अलॉन्ग विद नो नोड इज पास्ड मोर देन वंस. क्या हुआ कहने का मतलब? जब हम पाथ की बात करेंगे, सपोज करो ये इस तरह का कोई पाथ था. ठीक है. पाथ किसको बोलते हैं? इनपुट से आउटपुट तक जब हम ट्रेस करेंगे उसको हम पाथ बोलते हैं. ठीक है. और किस तरीके से ट्रेस करना है? कि कोई भी नोड दो बार ना आए. कहने का मतलब, सपोज करो ये वन टू थ्री फोर ये नोड थे. ठीक है. यहाँ से आप चलना चालू किया तो अब पाथ या तो आप इस वाले नीचे वाले पाथ से जाइए, या तो आप इस पाथ से जाइए, या फिर आप इसको फॉलो करते हुए जाइए. ठीक है. दोनों केसेस में आप उसको पाथ बोलेंगे. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक बार इधर से जाके एक बार इधर से आप वापस पीछे, आपने यदि वापस बैक ट्रैवल किया है तो वो आपका पाथ नहीं कहलाएगा. फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना फॉरवर्ड कहलाएगा, और आउटपुट से इनपुट के लिए आना फीडबैक पाथ कहलाएगा. इजी. वेरी गुड. क्या हुआ? अब देखिए, फॉरवर्ड पाथ यदि हम बोलें, यदि हम इस ग्राफ की बात करें तो इसमें फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? हमें फॉरवर्ड में क्या करना है? एक्स वन से कहाँ जाना है? एक्स फोर की तरफ जाना है. एक्स वन से हमको एक्स फोर की तरफ जाना है. तो हमारे हमें कितने रास्ते दिख रहे हैं? हमने यहाँ से चलना चालू किया. देखिए, हम स्टार्ट करते हैं. ये हमने ट्रेस किया ए टू वन. फिर हम यहाँ से या तो हम इधर जा सकते हैं या हम इधर जा सकते हैं. बट आप देखिए, या फिर हम यहाँ जा सकते, तीन रास्ते हमको दिख रहे हैं. ठीक है. तो तीनों में एरो आप सबसे पहले देखिए, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, और ये पीछे आ रहा है. तो हम क्या ये नीचे वाले पाथ पे जा सकते हैं? नहीं. हम कहाँ जा सकते हैं? या तो हम यहाँ से यहाँ चले जाएँ, या फिर हम यहाँ से यहाँ चले जाएँ. तो कितने फॉरवर्ड पाथ हुए? दो. पहला तो ये, ये और ये, और दूसरा हो गया ये. ये देखिए, ये लिखा हुआ है एक्स वन टू एक्स टू, एक्स टू टू एक्स थ्री, एक्स थ्री टू एक्स फोर, या फिर एक्स वन टू एक्स टू एंड एक्स टू टू एक्स फोर. करेक्ट है. अब फीडबैक पाथ क्या होगा? फीडबैक पाथ होगा जब हमको फीडबैक पाथ क्या होगा? फीडबैक पाथ या फिर फीडबैक लूप भी हम इसे बोलते हैं. फीडबैक पाथ या फिर हम इसे फीडबैक लूप भी बोलते हैं. फीडबैक लूप में क्या होगा कि जहाँ से ये शुरू होगा वहीं पर ये खत्म होना चाहिए. जहाँ से ये शुरू होगा वहीं पर ये खत्म होना चाहिए, और उसमें भी हमको दोबारा वहाँ पे ट्रेस नहीं करना है. ठीक है. तो अब ये देखो, x2 से हमने चालू किया और यहीं पे हम वापस आ गए. तो इस तरह के पाथ को आप क्या बोलोगे? फीडबैक पाथ या फिर फीडबैक लूप. x2 टू x3, और फिर हम वापस से x2 पे आ गए. दूसरा देखिए, सेल्फ लूप. सेल्फ लूप क्या कहलाएगा? अभी पुराने वाले स्क्रीन पर आपने देखा क्या हुआ. यहाँ पे देखिए, ये सेल्फ लूप है. सेल्फ लूप जहाँ पे हमको किसी और नोड को ट्रेस ना करना पड़े, जहाँ पे हमें किसी और नोड को ट्रेस ना करना पड़े और फिर वहीं से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाए, ये फीडबैक लूप है. यहाँ पे क्या, हमने दो नोड को ट्रैवल किया और हम वापस आए, लेकिन यहाँ पे क्या, जहाँ से शुरू किया वहीं आ गए, प्लस हमने कोई दूसरा नोड ट्रैवल नहीं किया. तो इस तरह के लूप को हम बोलेंगे सेल्फ लूप. गेन ऑफ द ब्रांच इज अ ट्रांसमिशन फंक्शन ऑफ दैट ब्रांच. जैसे हमने देखा अभी, ये ऐसा कोई एक लाइन बना हुआ था, ऐसा कोई एक लाइन बना हुआ है. इस लाइन के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, चाहे इसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? गेन. क्या बोलते हैं? गेन. आगे देखिए, पाथ गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेन्स एनकाउंटर्ड इन ट्रैवर्सिंग अ पाथ. क्या मतलब हुआ इसका? यदि एक पूरी पाथ इस तरीके से हमने जो एक देखा था, सपोज कीजिए ये एक ऐसा पाथ है, या तो ये हम ऐसे फॉलो किए या हमने ऐसा फॉलो किया. ठीक है. तो इसके ऊपर जितनी वैल्यूज लिखी है, सपोज कीजिए एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड और ए लिखा हुआ है, तो दोनों पाथ यदि है, पाथ वन का गेन, पाथ गेन क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, और दूसरा गेन क्या हो जाएगा? जेड इंटू ए. ओके. लूप गेन क्या होगा? जैसे हमने लूप ट्रेस किया था,
वापस से हम लूप जो ट्रेस किया उनके ऊपर जो गेन लिखा हुआ है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं हमारा लूप क्या था, x2 टू x3 एंड अगेन टू x2, तो हमारा लूप गेन क्या हो गया, x2 टू x3 में तो हम लिखेंगे a32 और फिर x3 टू x2 में क्या लिखेंगे a23। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, लूप गेन। उसके बाद एक और डेफिनेशन हम तो यहाँ पे जो काम आने वाली है आगे वो है नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स कौन से लूप्स होते हैं, दो लूप्स ऐसे लूप्स जिनमें कोई भी नोड आपस में टच ना करे। जैसे आप यदि इसमें देखें हमने दो लूप बोले थे, एक तो सेल्फ लूप था x3 वाला, एक था x2 x3 x2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, x3 नोड जो है वो कॉमन है दोनों में, x3 नोड जो है वो दोनों में कॉमन है। अब क्योंकि ये नोड कॉमन है तो इन दोनों लूप्स को हम क्या नहीं बोल सकते, नॉन टचिंग। क्या नहीं बोल सकते, नॉन टचिंग। यदि ये लूप सपोज कीजिए यहाँ पे एक और नोड होता और यहाँ पे ये x4 नाम का कोई एक लूप बना होता, ठीक है, तो हम इस लूप को और इस लूप को क्या बोल सकते थे, नॉन टचिंग। करेक्ट, मतलब क्या हुआ, कोई भी नोड दोनों में कॉमन नहीं होगा तो इस तरह के लूप को हम नॉन टचिंग लूप बोलेंगे। ओके, इस वाली क्लास में सिग्नल फ्लो ग्राफ इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में हम मेसन्स गेन फार्मूला और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू उसकी हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।